हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए द नॉवेल इंडिविजुअल मैन का समरी, चैप्टर 6 और 7। चैप्टर 6 में क्या होता है? चैप्टर 6 का नाम है द फर्नीचर दैट वेंट मैड। फर्नीचर पागल हो गया। तो फर्नीचर पागल होता है, कैसे होता है, क्या ये फर्नीचर सच में पागल होता है, चैप्टर नंबर 6 में जानते हैं। आपको पता होगा चैप्टर 5 में बंटिंग के घर में चोरी होती है। वो रात बीत जाती है, सुबह का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग। कोच एंड हॉर्सेस में जो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल होते हैं ये जग जाते हैं, क्योंकि आज विट मंडे का फेस्टिवल है। ये एक वाइन का फेस्टिवल होता है, शराब का फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में ये लोग, चूंकि इनका कोच एंड हॉर्सेज है, ढेर सारे लोग आएंगे वाइन पीने, इसलिए ये लोग जो है एक तरीके से इसको फेस्टिवल के रूप में मनाने के लिए और अपने इनकम बढ़ाने के लिए सुबह सुबह उठ करके अपने वाइन को यहाँ वहाँ कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं ताकि लोग आए और इसका आनंद लें। तो मिस्टर हॉल मिसेस हॉल दोनों लोग सुबह सुबह अपने रूम से निकल करके ये जा रहे हैं किसी और रूम में, किसी और जगह जा रहे हैं कुछ वाइन्स लेने के लिए, कुछ बॉटल्स उठाने के लिए कि वहाँ से ला करके रखेंगे हम यहाँ पर। जाते हैं तो मिसेस हॉल आगे चली जाती हैं, मिस्टर हॉल पीछे जा रहे होते हैं। दोनों लोग नीचे जाते हैं, यानी कि एक गलियारा से होते हुए ये लोग थोड़ा सा अंडरग्राउंड जो होती है रूम, वहाँ जाते हैं। अचानक से मिस्टर हॉल को याद आता है कि मैं एक बॉटल भूल गया हूँ, मैं वो बॉटल लेकर के आता हूँ। मिस्टर हॉल जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं बॉटल लाने के लिए, लेकिन जैसे आते हैं तो ये रूम देखते हैं उस ग्रिफिन का, यानी उस इंडिविजुअल मैन का रूम देखते हैं जो हल्का सा खुला होता है। ये पहली बार ऐसा होता है कि सुबह में या दोपहर में या शाम में उसका रूम खुला हो। तो हल्का सा खुला है, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखना चाहते हैं कि आखिर ये रूम में है, यानी कि आपको पता होगा कि मिस्टर हॉल बड़े सस्पिशियस हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो दरवाज़ा हल्का सा खोलते हैं, देखते हैं कोई नहीं है। अचानक से इनको ध्यान आता है, मतलब नोटिस करते हैं कि उस रूम के, मिस्टर ग्रिफिन के रूम के सामने वाला जो रूम है, जो इनका खुद का रूम है, वो लॉक्ड नहीं है, यानी अनलॉक्ड है, वो ताला टूटा हुआ है। तो ये याद करते हैं मिस्टर हॉल कि रात में तो मैंने इसे बंद किया था, ये खुला कैसे? तो सस्पेंशन में ये चिल्लाते हैं मिसेज हॉल को बुलाने के लिए ताकि वो आए कंफर्म करे कि उसने तो नहीं खोला। तो बुलाते हैं, मिसेज हॉल भी आती है धीरे से। मिसेज हॉल आती हैं, दोनों लोग सोचते हैं, तो मिसेज हॉल कहती हैं, हाँ मैं ही तो कैंडल दिखाई थी रात में बंद करने के लिए इस दरवाजे को, और आपने बंद किया था, इसका मतलब है कि बंद किया गया था, खोला तो हम दोनों लोगों ने नहीं है। तो इनको लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है इसने ऐसा काम किया होगा। तो ये दरवाजे को दोनों लोग खोल करके अंदर चले जाते हैं, देखते हैं अंदर कोई नहीं होता है। वो कपड़े जो पहनता है ग्रिफिन इनविजिबल मैन, वो सारे के सपड़े सारे कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, बिस्तर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, मेज कुर्सी से पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति नहीं है, वो गायब है। यहाँ वहाँ ढूंढते हैं सब, बेड के नीचे झांकते हैं ये लोग, चेयर के नीचे देखते हैं, पंचे के नीचे देखते हैं, कहीं नहीं है। अचानक से वो जो बेड होता है, बेड पर जो कपड़े पड़े हुए हैं, जो बिस्तर की बेड शीट है, वो सब रोल होकर के, गोल होकर के, एक मुड़ करके अचानक से उनके ऊपर पड़ जाती है, यानी कि पूरे के पूरे बिस्तर से उठ करके इनके ऊपर गिर जाती है, मिस्टर हॉल के ऊपर और मिसेज हॉल के ऊपर। दो लोग भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक जैसे ही भागते हैं फर्नीचर उठता है और ऊपर से आकर गिरता है इनके ऊपर, मिसेज हॉल के ऊपर। तो फर्नीचर यहाँ से वहाँ गिर रहा है, बॉटल यहाँ से वहाँ उड़ रहा है, कपड़े यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं, अजीब सा माहौल क्रिएट हो चुका है उस रूम में। मिसेज हॉल रोने लगती है, इसलिए नहीं रो रही है कि उनको चोट लगा, बल्कि इसलिए रो रही है क्योंकि वो फर्नीचर जो इनके ऊपर गिरा था और जो गिरकर टूट गया है, वो इनकी माँ का हुआ, माँ का था, इनकी माँ की दी हुई वो थी फर्नीचर। तो बड़ी रोती हैं ये, लेकिन फिर से उठती हैं और भागने की कोशिश करती हैं, जैसे दरवाजा के बंद भागते हैं, अचानक दरवाजा धम से बंद हो जाता है। तो बंद होता है जैसे ही, अब मिस्टर हॉल जो है बाहर जाते हैं और कहते हैं कि ये जरूर कोई स्पिरिट है, यानी ये व्यक्ति जो है वो कोई घोस्ट है, कोई आत्मा है। ये बुलाते हैं, मिस्टर हॉल बुलाते हैं सैंडी बेजर्स को। सैंडी बेजर्स नाम है इसका, मैं आपको बताऊं, ये सैंडी SANDY WADGER सैंडी बेजर्स है, जो एक एग्जॉर्सिस्ट है। एग्जॉर्सिस्ट मतलब एक ओझा टाइप का, एक तांत्रिक टाइप का व्यक्ति है गांव का। उसे बुलाते हैं मिस्टर हॉल, जिसके साथ हक्स्टर भी आ रहा हुआ होता है, हक्स्टर उनका फेलो होता है, फेलो साथी होता है सैंडी बेजर का। सैंडी बेजर और हक्स्टर दोनों लोग एक एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, दोनों लोग आते हैं देखने के लिए, पता करने के लिए ये भूत कहाँ है।
ये दोनों लोग बाहर खड़े होते हैं और मुआयना करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं उस कोचिंग हाउसेस का। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि तांत्रिक लोग आते हैं और बाहर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ इस घर में आत्मा है, इस घर में भूत है, ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ कोई आत्मा है, कोई भूत है। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं कोचिंग हाउसेज में, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और अंदर से आता है इनविजिबल मैन, विजिबल होकर के कपड़े पहन करके, जैसे कि लोग ड्रेस करके हमेशा निकला करता था। अचानक से आदमी बाहर निकला, ये देख करके सारे लोग हैरान हैं। मिसिस हॉल, मिस्टर हॉल, ये जो हक्स्टर और सैंडी वेजर्स थे, ये सब। अब ये दरवाज़ा अचानक से खोल करके बाहर देखता है और कहता है, क्या बेटर है, क्या करने आए हो आप लोग, यहाँ से जाओ। दरवाज़ा बंद करके अचानक से वो अंदर फिर बैठ जाता है। ये दोनों लोग जो होते हैं वहाँ से अचानक से डांट जब देता है तो दोनों लोग बाहर भाग जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं कोचिंग हाउसेज के। मिसिज हॉल जो है वो अंदर आती है और दरवाज़ा जो है वो खटखटाती है, नॉक करती है। दरवाज़ा फिर से खुलता है और ये कहती हैं कि तुम सीधे तरीके से क्यों नहीं आ सकते, तुम आसानी से नॉर्मली तरीके से तुम आगे के रास्ते से क्यों नहीं आ जा सकते हो, तुम पीछे के रास्ते से क्यों आए। कहने का मतलब है कि मिस्टर हॉल को अभी भी नहीं लग रहा है कि वो इंसान जो है अंदर था और ये वही है, कपड़े पहन करके आया हुआ है। उनको लगा शायद पीछे से आया हुआ है, पीछे के दरवाजे से आया हुआ है, कौन फाड़ करके आया हुआ है। तो मिसेज हॉल चिल्ला करके बोलती है कि तुम नॉर्मल आदमियों की तरह क्यों नहीं आ सकते, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह पीछे से क्यों आ रहे हो, यानी कि आगे से क्यों नहीं आ सकते तुम। वो कहता है मिस्टर हॉल, ग्रिफिन जो है मिसेज हॉल को कहता है कि गो टू डेविल, यानी कि जो ये दोनों लोग आए हुए हैं इनके पास जाओ, भागो यहाँ से और दरवाज़ा जाने के बाद बंद कर देना, चिल्ला करके बोलता है। मिसेज हॉल जो है वहाँ से चली जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, पूरा रात रहता है वहीं पे। यानी कि रात बीत जाती है, अगला दिन आता है। अगले दिन जो होता है, मिस्टर ग्रिफिन जो है रूम में बैठे हुए हैं, ये परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि अभी तक ना इनको टी मिला, ना ही इनको ब्रेकफास्ट मिली, परेशान है ये। हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 को छोड़ करके चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है द अनवेलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर। यानी स्ट्रेंजर यहाँ पर अपना राज खोलेगा, अनवेल करेगा। अनवेल का मतलब होता है पर्दाफाश करना, राज खोलना। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या होता है, आपने देखा अभी चैप्टर नंबर 6 में, वो इंसान वेट कर रहा होता है, उसको कुछ नहीं मिला होता है, वो भूख से परेशान है। बहुत बार वो कॉल करता है, बहुत बार वो बुलाता है मिसेज हॉल को, लेकिन मिसेज हॉल नहीं जाती है। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मिसेज हॉल इसकी बातों को सुन नहीं रही है, ना मिसेज हॉल खुद दौड़ करके आती थी और पूछती थी क्या चाहिए आपको। अब ये जाता है, दरवाज़ा खोल करके बाहर जाता है और मिसेज हॉल से कहता है कि क्या हो गया है, आज मेरा लंच नहीं मिला, ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, आज चाय भी नहीं मिली, हो क्या क्या है। मिसेज हॉल चिल्ला करके कहती हैं, जब तक तुम अपना अनपेड पैसा पे नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब वो परेशान है, वो कहता है कि मैं पे कर दूंगा। अब थोड़ा सा उसका जो वॉइस है, वो थोड़ा टोन जो है वो थोड़ा सा लाउड से स्लो हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा, एक्चुअली मैं पैसे का वेट कर रहा हूँ, पैसा भिजवाया गया किसी के द्वारा, बस आ जाए मैं आपको सब पे कर दूंगा। वो कहते नहीं, जब तक पूरा पैसा पे नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी और तुमको यहाँ से निकाल दूंगी। ये क्षमा याचना करता है और कुछ पैसे जो उसके जेब में होते हैं वो निकाल करके ऑफर करता है कि आप ये ले लो। वो कहती नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे पूरा पैसा चाहिए। और एक और चीज़, तुम ये बताओ, फिर से वो रिपीट करती है, तुम ये बताओ कि तुम आराम से आसानी से क्यों नहीं आ सकते, बाहर के दरवाजे से क्यों नहीं आ सकते, अंदर के दरवाजे से क्यों आते हो, और ऐसा बिहेव क्यों करते हो, तुम नॉर्मल की तरह क्यों नहीं बात करते, या क्यों नहीं उसकी तरह रहते। इस बात से वो फिर से गुस्सा हो जाता है ग्रिफिन, चूँकि आपको पता होना चाहिए ग्रिफिन एक टेम्पर्ड पर्सन है, तो बार बार गुस्सा हो जाता है। ग्रिफिन इस पर गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, झल्ला करके अपने नोज निकाल देता है, अपना कैप फेंक देता है, अपने जो मॉस्टेज होते हैं उसके मूछें होती है वो निकाल करके फेंक देता है, जो बैंडेज बंधा हुआ होता है उसके पूरे के पूरे स्किन पर वो निकाल कर फेंक देता है। अचानक से जैसे ही वो सब कुछ निकाल कर फेंकता है, बिना हेड एक व्यक्ति खड़ा है सामने मिसेज हॉल के। मिसेज हॉल चिल्ला पड़ती है, इनविजिबल हेड है ये, तो विजिबल है ये, इनविजिबल हो गया। जैसे चीख उठती है, इनकी तरफ ढेर सारे लोग जो हैं उस सराय की तरफ, उस कोचिंग हाउस की तरफ ढेर सारे लोग दौड़ करके आ रहे होते हैं, आते हैं ढेर सारे लोग, और सबको लग जाता है कि ये व्यक्ति इनविजिबल है। आज इस समय इसका नाम पड़ा इनविजिबल मैन है, इसको आज इनविजिबल मैन के नाम से लोग बुलाने लगे। तो इस चैप्टर 7 में इसको इनविजिबल मैन का नाम दिया गया।
तो इस बात पर ढेर सारे लोग जो होते हैं यहाँ वहाँ खड़े होकर के कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये जो है यहाँ वहाँ भाग रहा है, नाइफ लिया है अपने हाथ में, लहरा रहा है इधर उधर, और जो रास्ते में आ रहा है उसको पीट रहा है। तभी आता है बॉबी जेफर्स, बॉबी जेफर्स, बॉबी जेफर्स, जो कि एक कांस्टेबल होता है। वो इसलिए नहीं आया है इस समय, आई थिंक गांव के उस कोचिंग हॉर्सेस में इसलिए नहीं आया है क्योंकि इस समय वहां पर कुछ हो रहा है, लोग कौतूहल का माहौल बनाए हैं, भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, और कोई व्यक्ति मार रहा है। ये उसे नहीं पता, ना ही किसी ने उसको बताया। एक्चुअली वो इसलिए बॉबी जेफर्स वहाँ पहुँचा है, कोइंसिडेंस भी कह सकते हो आप उस समय का, इसलिए पहुँचा क्योंकि शाम को रात में मिसेस बंटिंग और मिस्टर बंटिंग के घर में चोरी हुई थी। उस चोरी के तहकीकात के लिए, पूछताछ करने के लिए वो आया हुआ था, क्योंकि ये चोरी तब हुई जब ग्रिफिन आया इस गांव में, यानी कि लोग उसी पर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसी के आने के बाद ये चोरी हुई है, इसका मतलब वही चोर होगा। तो पूछताछ करने के लिए, ग्रिफिन के बारे में जानने के लिए, बॉबी जेफर्स जो होता है वो वहाँ पहुँचता है। बॉबी जेफर्स पहुँचता है उसको पकड़ने के लिए, चूँकि आपने देखा कि वो हेड से इनविजिबल है, बाकी पार्ट से वो विजिबल है। जैसे ही पहुँचता है उसको पकड़ने के लिए, खींच के एक मुक्का मारता है उसके गाल पर, और जैसे ही एक तमाचा पड़ता है, मुक्का पड़ता है उसको, बॉबी जेफर्स जो होता है वो तिलमिला करके दूर हट जाता है। थोड़ी देर के बाद भागने की कोशिश करता है मिस्टर ग्रिफिन, लेकिन जानता है कि बहुत सारे लोग हैं, पकड़ा जाएगा वो, इसलिए वो हैंड अप करता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे हैंडकफ मत लगाना, मुझे बेड़िया मत लगाना, मुझे हथकड़ी मत लगाना। तो बॉबी जेफर जो होता है वो पहुंचने की कोशिश करता है उसके पास, पकड़ने की कोशिश करता है वो, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है इसको लग जाता है कि कहने की अगर मैं पकड़ में आ गया तो मुझे ये जेल में लेकर रख देगा, छोड़ देगा जेल में, और मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर स्क्वाल हो जाएगा। इसलिए वो करता क्या है, वो धीरे से अपने पूरे पूरे ग्लव्स को जल्दी जल्दी ग्लव्स निकालता है, कोट निकालता है जो ओवरकोट पहना हुआ होता है, और नीचे के जो भी उसके ड्रेसेज होते हैं सब निकाल करके फेंक देता है, और वो जो विजिबल व्यक्ति है इस हिस्से का वो विजिबल से इनविजिबल हो जाता है, और अब वो किसी को दिखने वाला नहीं। लोग अब जो है, अब अलग सा माहौल, बिजारे हो चुका है, एक अजीब सी वहाँ की क्रिएशन बन चुकी है, लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको पकड़ने के चक्कर में दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, और वो जहाँ जहाँ यहाँ वहाँ जा रहा है, किसी के पैर पर, किसी को खुद मार रहा है, मतलब पैर पर किसी के अपना पैर रख दे रहा है, लोग चिल्ला पड़ रहे हैं, और किसी को मार रहा है, धक्का मार मार के यहाँ वहाँ लोगों को परेशान कर करके वो भागने की कोशिश करता है। बॉबी जेफर्स भी जो है अपने कांस्टेबल के रूप में एक प्रकार से अपना पूरी पूरी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा प्रयास में भी वो एक तमाचा पाते हैं और बेचारों बहुत वहाँ से भाग जाते हैं। भागने का मतलब है किनारे हो जाते हैं, और इस तरीके से इस चैप्टर नंबर 7 से वो इंडिविजुअल मैन जो है वो भाग चुका है, यानी कि इन जो है कोच एंड हॉर्सेज वहाँ से ये निकल चुका है दूर। अब ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या इसके सारे के सारे कपड़े जो यहाँ पर हैं, जो और चीज़ें हैं, जो और उसके बॉक्स हैं, क्या वो उसको लेकर के जा पाएगा या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8, 9 और जो बाकी चैप्टर्स हैं। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको कोई परेशानी होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम, बेस्ट ऑफ लक, चाहिए।